अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। तालाब तीन पंचायतों के जंक्शन पर है स्थित नूरपुर की पंचायत बासा के गांव नगलाहड में नगलाहड युवा मंगल गांव वासियों व पंचायत प्रधान ने मिलकर गांव के प्राचीन तालाब में एक ऐसी पहल शुरू की है जो दूसरे युवाओं व पंचायत वासियों के लिए मिसाल बनेगी। नगलाहड युवा मंडल के साथियों ने पहले तो अपने दम और पंचायत के सहयोग से प्राचीन तालाब का सौंदर्यीकरण करना शुरू किया। मिलकर इस तालाब के बारे में रंजीत बख्शी जनकल्याण सभा के अध्यक्ष आकिब बख्शी को बताया तो रंजीत बख्शी जनकल्याण सभा के अध्यक्ष ने इस तालाब में एक कश्ती चलवाने के बारे में कहा और इस गांव के तालाब के लिए एक कश्ती भी लेकर दे दी। अजी प्रधान जी, आपके गांव के जो तालाब है इसका सौंदर्यीकरण आज किया गया है और एक किश्ती भी इसमें डाली गई है, इसको लेके जानकारी देंगे? जी प्रधान, बसा ग्राम पंचायत नई बनी है हमारी नागाबाड़ी से कटकर, अभी तो हमें मौका दिया है जनता ने, तो हमारे पास गांव की जनता जो है जैसे प्रमुख रूप से शेर संधु जी इनके साथ युवा जो इनकी टीम है वो आई थी कि अकिल बख्शी जी जो जसूर से पूर्व विधायक रंजीत बख्शी जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने कहा कि वो यहाँ एक किश्ती का प्रबंध करवा रहे हैं कि हमारे इस तालाब के लिए, तो उसके लिए NOC चाहिए होती है। तो हमने तो कहा कि गांव के अच्छे के लिए जो भी बात आती है कल को उसके लिए तो NOC चलो जो एक औपचारिकता है वो तो पूरी निभानी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात के लिए हम हमेशा ही साथ रहते हैं, तत्पर रहते हैं इसके लिए। तो रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा के जो अखिल बख्शी जी हैं ना वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे पूरे इलाके में, किसी का वो घर बनवा रहे हैं, ज़रूरतमंदों को मतलब मैंने सुना है कि शादियों वगैरह में दाम वगैरह का प्रबंध भी वो करवा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। तो जब मेरे को पता चला कि वो हमारे इलाके में भी एक किश्ती डालने के लिए वो उन्होंने मन में एक प्लान बनाया हुआ है, तो हमने एकदम से इसको जो है हमारे युवा मंडल को जो मंडल हमारे पास आए थे युवक उनको NOC का प्रबंध हमने तुरंत करवा दिया और मात्र मेरे को लगता है अभी 10-15 दिन ही होंगे तो किश्ती का प्रबंध बख्शी जी ने करवा दिया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज इन्होंने यहाँ पे जो किश्ती डाली है हमें लगता है कि इससे जो है यहाँ काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी हमारे जो हमारा गांव नगलाड़ है यहाँ के तो पुरुष महिलाएं शाम को इकट्ठे होते हैं, लेकिन ग्योरा कुट्टा जो बरंडा पंचायत यहाँ के महिला और पुरुष भी यहाँ शाम को घूमने के लिए इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, तो यहाँ लगता है कि अब एक हब बन रहा है ये भादरका तालाब जो है ना, तो बख्शी जी ने जो ये किश्ती का प्रबंध करवाया है इसके लिए ये बहुत धन्यवादी हम गांव वाले धन्यवादी हैं इनके लिए, इसके लिए कि इसको हमारे इलाके को और मतलब डेवलप करने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम शेर सिंह है जी, मैं गांव लंगलाड़ ग्राम पंचायत बासा है हमारी। आज हमारे बहादुर का तालाब, इस गांव तालाब का नाम है बहादुर का तालाब और ये बहुत पुराना तालाब है। आज हमारे अखिल सर ने एक नई किश्ती डाली है जिससे हमारे युवाओं को और आसपास के लोगों को बच्चों को बहुत बढ़िया एक घूमने का स्थान मिल चुका है, तो हम यही चाहते हैं कि अखिल सर आगे भी हमारे तालाब के बारे में काम करते रहे और युवाओं के लिए जो भी हमारे करते हैं किट वगैरह देते हैं अखिल सर, अब रंजीत बख्शी जनसभा द्वारा जो भी किटें वगैरह दी जाती हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, और आज हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा तालाब जो कि पहले जाड़ बसूट होते थे इधर बहुत वैसे होता था झाड़ियाँ जुड़ियाँ होती थी ज्यादा जंगल जैसा होता था, पर अब हमारे जो गाँव के युवा हैं जो गाँव के लड़के हैं उनके सभी के सहयोग से धीरे धीरे उन्होंने अपने पहले जो ग्राउंड बनाया और जैसे जैसे हमारे युवाओं को पता चला कि और भी फैसिलिटी मिल सकती है तो उन्होंने अपने हमारे बासा प्रधान पिंका जी से मिलकर आगे उनसे मिलकर अखिल सर से बात की, उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि हमारे तालाब में किश्ती डलनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके अखिल सर ने हमें
हर किस्ती का जो प्रबंध करवा दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो हमारे प्रधान जी भी आप इधर ही हैं, प्रधान जी आए जरा। कोई गल नहीं। के लिए जो है नगलाड़ के कुछ निवासियों ने हमें अप्रोच किया था आज से तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले, और हम लोगों ने जब आके यहाँ पर इस तालाब को देखा तो हमने ये जाना कि यहाँ पर तकरीबन तीन ऐसी पंचायतें हैं जिनके बीच में ये एक मिडिल स्पॉट पड़ता है। ये ग्योरा के, बासा के और बरंडा के बीच में हर तरह से जो एक रास्ता जाता है इसके आसपास से जाता है, और इस तालाब में इतना पोटेंशियल है कि इसको एक बहुत बढ़िया तरीके से एक टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। ये बच्चे जो भी हैं इसको मेंटेन करने वाले, इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है और ये लोग अपनी तरफ से जो भी इसमें आज तक कर सकते थे इन लोगों ने किया। जब हमें इस किश्ती के लिए अप्रोच किया गया तो हमने इनसे बात करके पंचायत के पूरे सहयोग के साथ एक ये कंडीशन रखी कि जब भी कोई इस किश्ती में जाएगा तो उसकी एक 10 रुपये की पर्ची काटी जाएगी। उसका अर्थ सिर्फ ये था कि वो जो भी कलेक्शन इन कमेटी की होती है उस कलेक्शन से इस तालाब की मेंटेनेंस की जाए, उस कलेक्शन से इस तालाब के आसपास सोलर लाइट्स लगवाई जाएं, बेंचेस लगवाए जाएं, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ती जाती है हम इसको एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तौर पर डेवलप कर पाएं, ताकि हम बाकी जो यहाँ के हमारे नेचुरल एरियाज हैं, जो यहाँ के बाकी तालाब हैं, उनके लिए भी एक उदाहरण सेट कर सकें, एक एग्जाम्पल सेट कर सकें इस चीज़ का कि यदि जो युवा शक्ति हमारी है या जो पंचायत है वो चाहे तो वो एक साथ मिलकर एक बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट का जो काम है वो बिना किसी एक्सटर्नल सहायता के कर सकें।